दिल्ली वालों को मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि जब तक हिंदुस्तान कश्मीरियों को अपना नहीं मानेगा, कश्मीरी कैसे मानेगा आपको अपना? नहीं हमें तो बोलिए ना, मतलब पहले मतलब क्या मैं डिपार्टमेंट से हूँ, चेयरमैन हूँ भाई, मैं बीजेपी से हूँ। अच्छी बात हमारी है, आप हमें रोमे दे रहे हैं। नहीं नहीं वो एक अच्छी बात है, हमें पार्टी से क्या लेना देना, वो तो आपका इशू है, लेकिन ठीक है हमें तो ये पता होना चाहिए ना। बात करेंगे ना अभी। न्यूज नेटवर्क और मैं आपकी मेजबान आसफा बशीर इस वक्त मौजूद है जेके हाउस दिल्ली से, चाणक्यपुरा से, जहाँ पे यहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को रूम नहीं दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को रूम दिया जा रहा है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। कल एक कंप्लेंट आई थी मुझे, बोला गया था कि यहाँ पे रूम नहीं दे रहे हैं, और किसी ने इनको मैसेज की थी और मैंने भी अपने थ्रू मैसेज की थी, बोला था कि हमें यहाँ पे आना है, बट इनकी मैडम का कहना था कि रूम एक अवेलेबल है, अब मैंने सारी डिटेल्स भेजी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे मैसेज आ रही है, ये लाइव चल रहा है, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाती, वहां से मुझे रिप्लाई आ रहा है कि ऑलरेडी वो हमने वो रूम जो पहले बोला था ठीक है एक है, वो रूम हमने कैंसर पेशेंट को दिया है, लेकिन कोई भी कैंसर पेशेंट यहाँ नहीं है, किसी भी कैंसर पेशेंट को कल रूम नहीं दिया गया है। इस बात का इसके बाद मैं और एक वीडियो डालूंगी, जब मैं रिसेप्शन अंदर है, रिसेप्शन पे मैं गई, वहां पे उन्होंने बोला कि कल इन्होंने किसी भी कैंसर पेशेंट को रूम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्यों कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है? यहाँ पे और भी हाउसेज है, बाहर है लद्दाख हाउस है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रही थी, मुझे एक यहाँ पे एक लड़की मिली, मैंने बस खाली उससे यही पूछा कि कैंटीन कहाँ पर है, पहले मुझे कैंटीन में जाना था। उसने बोला मैम आप, उसको ये नहीं पता था मैं मीडिया से हूँ, प्रेस रिपोर्टर हूँ, उसने यही कहा कि मैम आप इस वाले मेस में ना जाए, आप लद्दाख वाले में जाइए, क्योंकि यहाँ का खाना भी आपको वैसा नहीं मिलेगा। हर जगह यही प्रॉब्लम है। अच्छा अब अगर बात करेंगे हम यहाँ के सीसीटीवी की, यहाँ पे सिर्फ 10 एम्प्लॉय है दिखाया गया है, यहाँ पे एम्प्लॉयज 100 है के 150 है, यही वजह है इन्होंने यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं किए हैं, ये रही इसकी खास बात। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कोई भाजपा के लीडर, फिलहाल इनसे बात करते हैं, इनके साथ भी इससे पहले हमने बात की, पहले हमने डिस्कस किया कश्मीरी कश्मीरी का दर्द समझ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या नाम है आपका? मलिक याकूब जी। सर क्या आपने देखा यहाँ? मैं कश्मीर से हूँ और मैं चेयरमैन अर्बन लोकल बॉडीज MC पापोर, जिससे मेरा पुलवामा पड़ता है जी। और ये लेटर आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंटली लेटर है, डिपार्टमेंटली मेरी एकोमोडेशन के लिए कि मुझे यहाँ पर 3 दिन के लिए रुकना है, लेकिन जब मैंने मैनेजर को दिखाया है तो उसने कहा कि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। तो जब एक चेयरमैन के लिए आपके पास एकोमोडेशन नहीं है तो हम कश्मीर से आए हैं तो बाकी कश्मीरियों का क्या हाल होगा? मैं LG साहब से ये गुजारिश करूंगा कि LG साहब इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कश्मीर से जो लोग आते हैं और उनको एकोमोडेशन यहाँ पर नहीं मिलती है, सिर्फ असर जो रुजुक वाले लोग होते हैं जिनका अप्रोच होता है, गरीब लोग सफ़र करते हैं और आप तक अच्छी बात सच्चाई तो पहुँचती नहीं है। मेहरबानी करके जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जिन लोगों को आपने यहाँ पर बिठा के रखा है, चाहे वो किसी भी पद पे हैं जम्मू कश्मीर हाउस में, चिंकापुरी में, और मेहरबानी करके इनको तुरंत तबादला किया जाए। इन्होंने यहाँ पे घर समझ के रखा है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, अगर ये कैमरामैन आपका इधर दिखाएंगे, ये सभी लोग देखो परेशान हाल है, इनके पास भी एकोमोडेशन नहीं है। ये इन्होंने भी मेरे नोटिस में यहाँ पर लाया है कि साहब हमें, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ और कश्मीरी हूँ, और ठीक है, और इसके अलावा हम हिंदुस्तानी हैं, हमें प्राउड है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग हमारे से भेदभाव क्यों कर रहे हैं। ये एकोमोडेशन के लिए मेरे साथ, मतलब मैंने एक लेटर ये मेरे पास में है कि मेरे एकोमोडेशन के लिए, लेकिन एकोमोडेशन नहीं मिल रही है। क्या LG साहब इसका जवाब आप देंगे? जब आप कोई भी ऑर्डर आप हमें बोलते हैं कि यह ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है, जम्मू कश्मीर का पहला चेयरमैन मैं हूँ मलिक याकूब, जिसने आपका प्रॉपर्टी टैक्स मैंने पहले लगाया जम्मू कश्मीर में, आप चेक कर सकते हैं कि आपके जितने भी हुक्म होते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मलिक याकूब वही ज़ात है जो हर एक आपका ऑर्डर इम्प्लीमेंट करता है।
क्या मलिक याकूब के लिए आज यहाँ पर जगह नहीं है? क्या ये जो कश्मीरी लोग इनके लिए जेके हाउस में जगह नहीं है? क्या बात है, क्या मसला है? और मुझे उम्मीद है एलजी साहब आप इसकी तरफ ध्यान देंगे, और मैं जाती तौर भी सर आपसे आपके साथ कोशिश करूंगा आपसे मिलने की, फोन पे बात करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, जो आपके अफसर हैं आप तक तो बात पहुंचा दूंगा। लेकिन इसमें सरकार को, गृह मंत्री को खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, ताकि जो मीडिया मैंने यहाँ अचानक देखा है, ये अच्छी बात है कि ये लोग भी अच्छा काम करें, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब तक मैं लोगों को हम सच में दिल से लगाएं, लोगों से प्यार करें, कश्मीर को, कश्मीरी लोग बहुत जख्मी हैं, इनको मरहम की जरूरत है। जब तक इनको जख्मी लोगों को हम मरहम लगाएंगे, दिल से लगाने की कोशिश करेंगे, तब तक ये परेशान हाल रहेंगे, क्योंकि कश्मीर को बहुत जरूरत है प्यार करने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाजरा मोहतरम आप चले, यहाँ पे हमें अभी ये करने नहीं दे रहे हैं, अंदर नहीं दिखाने दे रहे हैं। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे सीसीटीवी की नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला क्यों नहीं रखा गया है, शायद यही वजह थी कि एम्प्लॉयज खाली 10 है और 100 लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज है। दूसरी बात यह है कि अब पानी की अगर बात करें, बाहर से मंगवाया जा रहा है, आरओ नहीं है यहाँ पे। नाजरा मोहतरम आपसे मेरे कश्मीर के लोग, मेरे कश्मीर के भाई बहन अभी मुझे देख रहे हैं यहाँ से, जब तक मैं पूरी दिल्ली, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली वालों को मैं कह रही हूँ यहाँ कि जब तक हिंदुस्तान कश्मीरियों को अपना नहीं मानेगा, कश्मीरी कैसे मानेगा आपको अपना? आप हमें कश्मीरियों को प्यार दीजिए। अमित शाह साहब ने कहा था जब आर्टिकल 370 का मसला हुआ था, बोला था कि हम ऐसे कहा था, हम कश्मीरियों को दिल से लगाएंगे। अमित शाह साहब, एलजी साहब, क्या यही है आप कश्मीरियों को दिल से लगा रहे हैं? दिल्ली में दर बदर कश्मीरी हो रहे हैं, क्या आप दिल से लगा रहे हैं? जब आप हमारे कश्मीर आते हैं, मैं अक्सर, नाजरा मोहतरम आपको भी पता होगा, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमें जो बनाता है वो हमारे कश्मीरी लोग बनाते हैं, वो लोग ही बना रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, आप चले आगे। ये है जेके हाउस। अगर बात करें जेके हाउस की, यहाँ पे जो वॉशरूम्स है, वॉशरूम्स बहुत ही गंदे हैं। मैं क्या बोलूं, मैं वहां पे वो दिखा भी नहीं सकती थी। वो लद्दाख हाउस है, लद्दाख हाउस, आप जरा आप दिखाए, ये है लद्दाख हाउस, ये है लद्दाख हाउस, रेड कलर की बिल्डिंग। इसमें किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज लद्दाख हाउस में अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू जेके हाउस। तो नाजरा मोहतरम प्लीज मेहरबानी करके ये वीडियो, ये मैसेज शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाएगा जो यहाँ पे करप्टेड है, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ भेदभाव करेंगे, जो आम जनता के साथ भेदभाव करेंगे, वो हमारे लिए करप्टेड ही है। बाकी इस वीडियो को मेहरबानी करके, स्पेशली आई रिक्वेस्ट ऑल कश्मीरीज, शेयर दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।